नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तस्वीर, भारतीय संस्कृति की एक झलक। नरेंद्र मोदी की पक्षियों के साथ तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सभी वो बोलती हुई तस्वीरें हैं जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है, जिसमें सभी जीव जंतुओं को परम सत्ता का अंश माना गया है। सभी में आत्मा का वास होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु। प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा की गिल्लू कहानी इसी प्रसंग में याद आती है। उनकी आवास पर एक रहती थी गिलहरी, वो उनको दाना देती थी। महादेवी ने उसका नाम गिल्लू किया था, वो उनकी आवाज भी पहचानती थी। प्रधानमंत्री आवास में पशु पक्षी भी ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज को पहचानते हैं, उनके निकट आते हैं वे। उनमें भी भावना होती है, प्रताड़ित करने वालों से दूर भागते हैं, लेकिन प्रेम करने वालों के वो नजदीक आते हैं। बहेलिया ने एक पक्षी को तीर से मारा था, ये देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुंह से जो पहले शब्द निकले थे वही दुनिया का प्रथम काव्य बना था। यह भारत की मूल प्रवृत्ति है, संस्कृति है। नरेंद्र मोदी ने कई वर्ष पूर्व मन में पक्षियों से बात करने के लिए सोचा था, वे उन्हें दाना पानी देने का सुझाव रखते हैं। अब पता चला कि मोदी स्वयं इस पर अमल करते हैं। बाद में लोगों को भी वे इसी बात का सुझाव देने लगे। कुछ दशक पहले गौरैया की कलरव से लोगों की नींदें खुला करती थी, आज उन्हें बचाने के लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं। पहले ये सब दिनचर्या और शैली में शामिल हुआ करता था, आजकल इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, जरूर